आपको देख के ही बंदे के अंदर से अपने आप गाना निकलता है. आप तो वो हैं जिनको देख के सलमान खान साहब ने पहली बार कहा था कि मैंने प्यार किया. हालांकि उसके बाद वो यही कहते हैं कि मैंने प्यार क्यों किया, क्योंकि आप उनके साथ थी तो उनको प्यार पे भरोसा था, उसके बाद उनका प्यार से भरोसा उठ गया. सीरियसली मतलब जब मैंने प्यार किया आई मैम, क्या काम किया था आपने उस फिल्म में. और हिंदुस्तान में हर लड़का ये सोच रहा था कि काश उसको सुमन जैसी लड़की मिले. हालांकि साथ साथ ये भी सोच रहा था कि आलोकनाथ जैसा ससुर ना मिले उसको. कि बंदा इतनी मेहनत से कमाई करके लेके गया, रुका थे नोट तुम्हारे गीले हैं. तो यार ये बात है. पर मैम एक बात बताइए. बताइए. थर्सडे को आप एक आम लड़की थी और फ्राइडे को जब आपकी मैंने प्यार किया रिलीज हुई, हम तो अपने शहर में बैठे देख रहे थे आपको, पर आपकी जिंदगी में क्या फर्क आया उसके बाद एकदम से, क्योंकि सुपरस्टार हो गई आप. मैं एक्चुअली बताऊं, मुझे इसका अंदाजा नहीं था, क्योंकि हिमालय जी सामने थे तो मुझे सिर्फ पर्वत ही नजर आ रहा था. तो मतलब उस फिल्म के आने से पहले आप और हिमालय जी मिल चुके थे आपस में. अच्छा, शादी नहीं हुई थी लेकिन उस समय. नहीं, शादी हो चुकी थी. हो चुकी थी, बस हो गई. आपने बताया लोग बस सुमन सुमन करते फिर रहे, लोगों को पता नहीं सुमन शादीशुदा है. बिल्कुल नहीं पता. वाओ, पर क्या काम किया था यार. वाह. पर देखो लोगों को नहीं पता था एक्चुअली कि आप और हिमालय सर की शादी हो चुकी है. सलमान जी को मालूम था, वो हमारी शादी में आए थे. अच्छा जी, पर बाकी दुनिया को नहीं पता था. जैसे मुझे आज पता चला कि फिल्म के पहले आपकी शादी हो चुकी थी जी. मुझे तो बाद में बड़ा गुस्सा आ रहा था, हिमालय कौन है भैया, कहाँ से आ गए. तो जैसे आपने कबूतर के हाथों चिट्ठी भेजी, सच्ची सच्ची बताना, फिल्म रिलीज होने के बाद आपके घर के बाहर कितनी चिट्ठियां आई थी. मेरे ख्याल से पोस्टमैन तो सांता क्लॉज बनकर आता था. अच्छा जी. फर्स्ट फ्लोर से लेके कंपाउंड तक सिर्फ थैलियां थी चिट्ठियों की. आप में से निकाल के पढ़ी कभी कैसे? इतनी सारी थैलियां थी तो उसमें से छाट छाट कर कुछ कुछ खत पढ़ती थी मैं. तो क्या बात है यार. अच्छा, फिल्म तो हिट थी, फिल्म के गाने कितने कमाल के थे. और मैंने देखा वो अंताक्षरी तो आई थिंक 9 मिनट की अंताक्षरी थी. और 7-8 मिनट के गाने, 11 गाने फिल्म में और 11 के 11 सुपर हिट. उस समय आपको पता ऑडियो कैसेट्स की शॉर्टेज आ गई थी. लोग क्या करते थे, जो पुरानी कैसेट होती थी ना उसको डिलीट करवा के उसमें गाने भरवाते थे. ये दिनेश नहीं, मेरा कॉलेज का फ्रेंड है गिटार पे जो बैठा है, ये गया और इसने भी अपनी कैसेट खाली करा के तो मैंने प्यार किया गाने भरवा लिए. इसके पिताजी ने जब वो कैसेट डाली तो पंकज उदास की जगह कबूतर जाजा चलने लग गया. हाँ, तो पंकज जी से ज्यादा उदास इसके डैडी हो गए कि वो चिट्ठी आई है, गाना कहाँ गया. फिर उन्होंने इसको मुर्गा बनाया, इसने फिर गुस्से में 2 अंडे भी दिए, हमने किसी को बताया. पर मैम बहुत प्यारी लग रही हैं आप, आइए बहुत बहुत स्वागत है आपका, विराजमान हो जाइए. थैंक यू. अर्चना जी, आज और भी बहुत कमाल के गेस्ट जो हैं यहाँ पे आए हुए हैं, तो अब वक्त है उन सबको यहाँ पे बुलाने का. आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम अदिति गोवित्रीकर जी, रायमा सेन, मिस्टर समीर सोनी एंड मिस्टर हितेन तेजवानी. समीर भाई कैसे आप? हितेन भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका. थैंक यू. जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए हो जाए. आइए विराजमान हो जाइए. आपको NRI वाइफ के लिए ढेर सारी मुबारकबाद. और शूटिंग के दौरान जिसके साथ सेटिंग है, आपका आपकी जो पेयरिंग है, मतलब जिसका जो हस्बैंड बना है वो आप उनके हिसाब से बैठ गए. अदिति जी को देख के ना वो गाना याद आ गया जो इनके ऊपर पिक्चराइज किया गया था ना, कभी तो नजर मिलाओ कभी तो करीब आओ. जो नहीं कहा है उसे तुम समझ भी जाओ. लड़कियां तो वैसे ही बिना कहे समझ जाती हैं मैम, है ना जी. और आप तो साइकोलॉजिस्ट भी हैं, आपको पता चल जाता है सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है थोड़ा बहुत. अर्चना जी के दिमाग में क्या चल रहा है इस समय, बताइए आप. अर्चना जी ये सोच रही है कि हमने दे दनादन नाम की फिल्म साथ में की थी, तो आप नेक्स्ट फिल्म कब साथ में करेंगे? ये नहीं आजकल, ये इनके मन में कुछ और चल रहा है. क्या? ये शनिवार को इतने पैसे ले जाते हैं, इनको फिल्में करने की जरूरत ही नहीं. मैं आपको बताऊं, अदिति जी को सब लोग जानते हैं लेकिन उसके अलावा इनके और क्या क्या स्किल्स हैं. ये डॉक्टर भी हैं. तो आप जैसी डॉक्टर हो कसम से, मतलब मरीज को दवाइयों की जरूरत ही ना पड़े, है ना. दवाई लिख के देने की जरूरत ही नहीं, आप इतना ही लिख दो कि सुबह दोपहर और शाम को 3 बार मुझे देखें और आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, मतलब ऐसा मुझे लगता है. और कुछ लोग जो वो बीमार नहीं होंगे वो भी चाहेंगे कि बीमार हो के इनके पास जाए. हाँ. कभी आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आया जिसने आपने उससे पूछा हो कि क्या हो रहा है, तो उसने कहा हो कि प्यार हो रहा है, फिर आपने मोटी सुई वाला इंजेक्शन निकाला हो और दोनों हाथों से ठोक दिया हो कि तू नहीं हटेगा. रायमा कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ. बड़ा मतलब आपको हम देखते रहते हैं फिल्मों में, सोशल मीडिया पे, आज शो पे आप पहली बार आई हैं. हाँ, फर्स्ट टाइम. बंगाल की जो खूबसूरती है ना,
खासी लोग एक तो बड़े इंटेलिजेंट भी होते हैं, कलाकार बड़े होते हैं, सिंगर्स बड़े निकलते हैं ना। आंखें देखिए आप कितनी खूबसूरत है, इनकी आंखें इतनी बड़ी है ना। वैसे तो मैं पंजाब से हूँ पर आपको देख के मेरा दिल कर रहा है कि मैं कहूँ कि अमित तुम आके भालू बाशी। इसका मतलब क्या होता है रहमा वैसे? I love you. Don't say it. वैसे तो मैं मतलब मेरी शादी हो चुकी बट मेरे को कोई ऐसा खास एतराज है नहीं। अभी 6 महीने हुए हैं शादी को। 6 महीने? 2 बच्चे 6 महीने में? और 2 बच्चे छोटे छोटे हैं, तो कौन सा बड़े हैं? पर राय मैं सीरियसली बता रहा, मतलब आपकी इतनी खूबसूरत आंखें हैं ना, आपकी आंखें कोई देखता ना तो उसकी बड़ी हो जाती कि हैं अच्छा। आप इन आंखों से नॉर्मल जो प्रेजेंट है वही देखती हैं, फ्यूचर भी देख लेती हैं आप? काश मैं फ्यूचर देख सकती बट अनफॉर्चुनेटली आई एम ओनली प्रेजेंट इन द मोमेंट। अरे बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये फिल्म में सब आप सब लोगों का ऑडिशन कैसे हुआ? आई मीन कैसे आपने फिल्म हासिल की? या ऑलरेडी आप यूएसए में थे? नहीं, तो प्रोड्यूसर को लगा कि चलो खर्चा बचेगा, यूएसए में है सब आर्टिस्ट। नहीं, हम तो इंडिया में थे। हम इंडिया में थे। मुझे इंस्टाग्राम में एक मैसेज आया था। अच्छा, जो आप शायद उनसे मिलेंगे, गुंजन जी जो प्रोड्यूसर हैं जी, उन्होंने लिखा कि आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स। झूठ नहीं बोल रहा, अभी भी है। अच्छा जी। तो मैं एक शॉर्ट फिल्म आपके साथ करना चाहती हूँ। शॉर्ट फिल्म करना चाहती हूँ? शॉर्ट फिल्म, पहले ये बात वहाँ से स्टार्ट हुई थी। तो मैंने कहा ठीक है, सेंड द स्क्रिप्ट, मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ। और नाम था ग्रे स्टोरीज। अच्छा। और ग्रे स्टोरी मतलब कि जो NRI वाइव्स हैं उनकी लाइफ में क्या होता है। हम यहाँ से बैठे कुछ और सोचते हैं, राइट, और किसी का प्यार किसी और से है, वो क्या सपने लेके आए। तो बड़ा डाइसी सा सब्जेक्ट था, मेरे को थोड़ा डर लग रहा है, मैंने कहा यार ये क्या है। सो एनीवे, कटिंग अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, तो मेरी स्टोरी अच्छी आई, उनका जो टेक था बड़ा अच्छा था, एंड आई सेड या आई विल कम। सो दैट इज हाउ द जर्नी स्टार्टेड। फिर आप इन लोगों से पूछ सकते हैं इनका कहां तक पहुंचा। बहुत मजेदार है। अच्छा जी। क्योंकि मेरे ख्याल से हम सब एक कहानी है और हम सब की एक एक कहानियाँ होती है, और कोई खराब या कोई अच्छा ये नहीं होता। सब अच्छे इंसान में भी कुछ ना कुछ खराबी होती है, जैसे बोलते हैं चांद में भी दाग होता है, और कीचड़ में भी कमल उगता है, वैसे वैसे बुरे आदमी में भी कुछ ना कुछ अच्छाई होती है। क्या बात है, है ना। तो ये कहानियाँ उन लोगों के बारे में है जो ना अच्छे हैं ना बुरे हैं, लेकिन आम है, जैसे आप मैं। वाह, कितना खूबसूरत व्याख्या की आपने। इतना खूबसूरत इन्होंने जो ज्ञान दिया है, दिल कर रहा है आपसे पूछने का, मौत के बाद भी जिंदगी है कि नहीं वैसे आपको लगता है? मुझे पता नहीं क्यों लगता है इनके पास आंसर होगा। मैं एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। मैं सोच रहा था, ये वैसे मैंने इनके साथ एक काम किया है, इनके साथ फिल्म किया उन्होंने जो टेलीविजन में रिलीज हुई थी, जिसमें मेरी वाइफ का रोल प्ले कर रही है। फिर इनके बेटे अभिमन्यु, उनके साथ मैंने फिल्म की है एज अ एल्डर ब्रदर। फिर इनकी बेटी अवंतिका, उसके साथ मैंने काम किया है एज अ फादर। अभी वेट कर रहा हूँ उनके हस्बैंड का। देखिए कितनी है यार। तो आप फिल्म इंडस्ट्री में मतलब स्ट्रगल करने आए थे कि इनके घर पे ही स्ट्रगल करने आए थे? तभी इनके साथ और सब लोगों ने काम दे भी दिया। कर ले भाई, तू ही कर ले। स्ट्रगल में आपको पहला एक्सपीरियंस सुनाता हूँ। अभी ये पहली बार मैं शेयर कर रहा हूँ कि हम एक फिल्म कर रहे थे जिसमें मेरे फेस में कोई स्कार है बद्धा सा, तो और ये देख नहीं सकती है, ठीक है। अच्छा। तो इश्क हो जाता हमारा, ये कहानी थी। तो हम शूट कर रहे हैं, शादी हो रही है और हनीमून नाइट। तो डायरेक्टर मुझे कह रहा है समीर थोड़ा रोमांस लाओ। तो हम हल्का सा बात कर रहे हैं, ये वो कर रहा है, मैं पास आ रहा हूँ, ये भाग रही हैं दूर। अच्छा यार ये तो प्रॉब्लम है। और सीन भी क्या है कि खिड़की के साथ बैठे हैं, चांद निकला हुआ है। अच्छा। और मैं यूं पास आऊं, ये यूं जाए। बड़े टेक हो गई। फिर मुझे लगी समीर डोंट माइंड इट ना, क्या मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मेरा हस्बैंड भी है, वो देखेंगे तो उनको बुरा लगेगा। आप मेरे को परेशानी, हाथ भी पकड़ के यहाँ ले जाना हो तो कैसे ले जाऊं? डायरेक्टर बोल रहा पकड़ ले, मैं कैसे पकड़ूं? तो ये जो बोल रही हैं बिल्कुल 100% जो मैंने प्यार किया मैं थी वैसे मेरे साथ भी था, तो मेरी पूरी पिक्चर में था। अबे यार छू ना लूं। Himalaya, wherever you are, you have the greatest wife in the world. Hiten bhai ko, hum sab log, kyunki saas bhi kabhi bahu thi,
कुटुंब सीरियल के टाइम से देखते आ रहे हैं और ये इंसान एक इंच आधा कम या ज्यादा नहीं होते, पता नहीं क्या करता है। वाह, मेरे इंस्पिरेशन अनिल कपूर साहब हैं। वाह, तो मैं उनको फॉलो करता हूं। पर हितेन, आपको खाना लगता नहीं है या आप जानबूझ के कम खाते हैं कि अगर वजन बढ़ गया तो नए कपड़े लेने पड़ेंगे क्या? ऐसा कुछ नहीं, एक है, एक लिमिटेड डाइट है, वही फॉलो करता हूँ, वही उतना ही खाता हूँ। मेरा बहुत भी मतलब दो से ऊपर तीसरी रोटी चली गई तो बहुत हो गए, दो अच्छा पतली पतली रोटी, दैट इज फाइनल, बस। पर क्या बात है भाई, बड़ा बड़ा अच्छा लगता है आपको देख के। थैंक यू। कपिल सुन, सिर्फ दो रोटी, ये जो परांठे तूने पाल रखे ना, ये मैं कम से कम ईमानदारी के साथ सोफे बैठा हूँ, आपकी तरह आगे काउंटर तो नहीं लगाया मैंने, छुपा तो नहीं रहा मैं। वैसे बात सही है, काफी मेरा मतलब ये सब ढक जाता है। हाँ। और नीचे रम की बोतलें भी छुपी रहती है, किसी को पता नहीं चलता। हितेन भाई, सुना है इस फिल्म के अंदर आप फिल्म स्टार बने हुए हैं। जी जी। तो पहले दिन आपको फीलिंग आ गई थी स्टार वाली कि आज जब आप हमारे शो पे आए उस वक्त? आज आ गई, आज आ गई, ये बात बोली ना। लव यू भाई। आपके सीरियल में ना कुटुंब में, हाँ जी, तो हमारे अमृतसर का एक हमारा दोस्त था थिएटर के दिनों का, तो उसका एक एक सीन का रोल मिला था उसको। अच्छा। और उसने हमें फोन कर दिया कि हमारा कुटुंब में मेरा वो आने वाला है और ये मेन लीड थे और सुपरस्टार, तो उसका एक सीन का रोल आया और हम लोग इतने खुश थे कि आपके साथ आपके सीरियल में आया। और जनरली बहुत अच्छा लग रहा है आज आप हमारे शो पे आए। थैंक यू। सेम है, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। बाकी श्री जी, लोग जैसे होता ना कि शादी के बाद हिमालय चले जाते हैं, हिमालय खुद आए आपसे शादी करने, हिमालय पिघले कैसे? आई मीन कब मुलाकात हुई आपकी उनके साथ? स्कूल से साथ में हैं हम लोग। अच्छा जी। और मैं मैथ्स में बहुत वीक थी। अच्छा जी। पर ये हिसाब किताब ठीक लग गया आपका? ये हिसाब सही लग गया क्योंकि वो मुझे सिखा रहे थे। अच्छा जी। हाँ, तो पास हो गए हम दोनों और ऐसा लगा कि भाई इतना वक्त साथ में गुजरा है तो ये वक्त और ज़रा लंबा खींचना चाहिए, पर हम फेल नहीं हुए, पास हो गए, तो आगे बढ़ना तो ज़रूरी था। पास हो गए तुम दोनों, ये हाँ, तो पास हिंदी वाला भी और इंग्लिश वाला भी, दोनों। इसके बाद मम्मी पापा ने मना किया, तो हमारा रिश्ता वहीं पे हम लोगों ने ख़त्म किया। अच्छा। फिर ये चले गए अमेरिका पढ़ाई करने और उस दौरान मैंने प्यार किया आई। अच्छा जी। तो मैंने फिल्म साइन की और शूटिंग के दौरान हम एक बार फिर से मिले। यू नो व्हाट हैपेंड, मैंने प्यार किया के दौरान जो जो इमोशन सुमन के ऊपर गुजर रहे थे वो एक्चुअली हाँ बिल्कुल, मतलब रियल लाइफ और रियल लाइफ पैरेलल चल रही थी। तो रियल लाइफ पे भी आप हिमालय जी के साथ ऐसे करते थे? रुण 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 रुण। नहीं, मतलब मम्मी पापा फिर कैसे माने, वो बात तो बताई नहीं आपने। ये होने के बाद हैं? अभी तक होने के बाद। अच्छा, मुझे लगा मैंने प्यार किया हिट होने के बाद इन्होंने पैसे गिने होंगे मम्मी पापा के। मम्मी पापा ये देखो। जब बच्चा कमाने लगता है तो माँ बाप ज्यादा फिर दखल लेकर के, अब चलो बड़ा हो गया है, समझदार हो गया है, अपने पैरों पर खड़ा है। तो ऐसा नहीं है कि भाग्यश्री ने भाग्य अपना खुद लिखा है भाई साहब। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.